हाय गर्मी, ये साल गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है ना। और तो और आपने ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं सुनी होगी जिसके अंदर कहीं पेड़ जल रहा है तो कहीं कचरे के ढेर जल रहे हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अभी आप में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि 2022 में दुनिया एंड होने वाली है एंड इस चीज़ का ये संकेत है, या फिर कुछ लोग कहोगे अग्निदेवता हमसे नाराज़ है, हमें ना हवन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये दोनों भी चीज़ें गलत है। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज़ हीट वेव्स। अभी सवाल आता है कि हीट वेव्स क्या है। हीट वेव किसी भी देश में तब डिक्लेयर की जाती है जब उस देश का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन इस साल जो अपने भारत का टेम्परेचर, वो 40 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्रीज बढ़ चुका है। अभी आप कहोगे ये गवर्नमेंट को 40 डिग्री से इतना क्या ऑब्सेशन है? ये जो 40 डिग्री है ना, ये अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। देखो, आप इतना तो जानते हो कि जब हमें गर्मी होती है तब हमें पसीना आता है, लेकिन ये पसीने का काम क्या है? हमारी अच्छी बॉडी की स्मेल गंदी कर देना? नहीं। देखो, जिस तरह से एक कूलर पानी की मदद से पूरी रूम को ठंडा करता है, उसी तरह से पसीना यानी कि पानी की मदद से हमारी बॉडी खुद को ठंडा रखती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा देर के लिए 40 डिग्री की धूप में खड़े रहें तो इस वजह से हमारी बॉडी का काफ़ी सारा पानी एंड इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स चले जा सकता है, जिस वजह से हमारे हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, दैट इज़ दिल को धड़कने में मुश्किल होगी एंड इस वजह से हमें चक्कर आ जाएंगे एंड हम बेहोशी से गिर भी सकते हैं। और मान लो अगर ये बेहोशी की हालत में आप 30 मिनट या उससे ज़्यादा के लिए धूप में पड़े रहें तो आपके बॉडी के मेजर ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, जैसे हार्ट या फिर किडनी, एंड आपकी जगह पे ही डेथ हो सकती है। इसीलिए हीट वेव्स इतनी ज़्यादा खतरनाक है। हीट वेव्स होती क्या है ये तो समझ गए, लेकिन आखिर ये होती क्यों है? इसके पीछे कारण है मार्च महीने में बारिश ना होना। हर साल मार्च मंथ में बारिश होती है जिस वजह से टेम्परेचर में 60 से 90 डिग्री की गिरावट आती है, लेकिन ये साल ऐसा हुआ ही नहीं। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी हीट वेव्स के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अभी आपको इतना सब कुछ बोलकर डरा ही दिया है तो इससे बचने के तरीके भी बता देता है। हीट वेव्स को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट एंड सबसे आसान तरीका है पेड़ लगाओ। ये तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी जो हीट वेव आई उसका क्या करें? इसके लिए आप तीन चीज़ें कर सकते हो। पहले तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखो, जितना अमाउंट में पानी पीना ज़रूरी है उतना पानी पीते जाओ। दूसरा, सन रेज को डायरेक्टली अपनी बॉडी पर गिरने से बचाओ। और तीसरा, आप आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडे पानी से नहा लो। एंड अगर आप लेजी हो बिल्कुल मेरी तरह, तो आप एक बकेट के अंदर ठंडा पानी लेकर उसके अंदर पैर रख के ये वीडियो देख सकते हो।